हम क्या गए अपने दोस्त के यहाँ से नान खा के आ रहे थे, तो विकास कुशवाहा उर्फ ब्लैकी, उसका छोटा भाई योगेश बघेल और उसका छोटा भाई दीपक कुशवाहा और एक आदमी जो था वो मुंह बांधे हुआ था, इन तीनों ने आगे पहले तो हमसे मारपीट चालू की। हम डिस्कवर से थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे, दोस्त की तरफ, दोस्ती घर की तरफ। तो इन्होंने हम पर गोली, पहले तो मारापीटी चालू की और उस पैसे से मैं बच के भागा तो इनने मेरे पीछे से बंदूक चलाई 315 कट्टा, जिस पर निशान ये आए हुए हैं मेरे। और एक था मेरे संग सोनू पंडित, मेरा दोस्त मित्र थे, उसने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसे मारापीटी की और फिर उस पर 315 का कट्टा चला दिया है, तो उसके कमर पे निशाना आ गया और पीछे छर्रे लग गए हैं। जैसे जैसे मेरे छर्रे लग गए वैसे उसके जांघ पर छर्रे लगे हुए हैं। किस बात पे विवाद, किस बात का है? विवाद कुछ सालों पहले हमारी कोई कहा सुनी हो गई थी उस बात को लेके, क्योंकि उस बात को ये अपने मन में रखे थे, तो उन्होंने वहाँ पे जाके ये हम पे वो की है। आज कौन सी जगह की घटना है ये? ये है रमटापुरा, रमटापुरा में रामस्वरूप हलवाई है, उनकी दुकान के जस्ट सामने अन्नपूर्णा कैटर्स है, उसके सामने वहाँ पे ये घटना हुई है। आप दो लोगों को लगे? जी आप दोस्त कहाँ पर थे? जी आशीष शर्मा और धर्मेंद्र यादव। हाँ, रमटापुरा में एक गोली चलने की सूचना आई थी, फरियादी है भैया गोली चली है, और जो फरियादी है आशीष शर्मा और धर्मेंद्र यादव, तो चोट ज़्यादा नहीं है, चोट तो लगी है, और उनका जो अभी आरोपी है विकास कुशवाहा, तो दो लोगों के नाम और बताए, तो उनसे पहले का कुछ विवाद हो गया होगा 2019 में, उसी बात पर लेके मुँह बात हुआ तो उसने कट्टे से फायर कर दिया है। लगे एक के हाथ में छर्रे लगे और एक के जांग में, वहीं जांग में पेट में छर्रे से लगे, छेला हुआ ज़्यादा, कोई बुलेट अंदर नहीं गई। तो कितने आरोपी निकाले थे? नहीं, वो एक एक्टिवा गाड़ी से आए थे और ये भी अपनी मोटरसाइकिल से जाए, तो रास्ते में इनकी मुलाकात हुई रमटापुराम, वहीं इनका मुवाद हुआ और उसने फायर कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आया इसके? सीसीटीवी अब वो तो वहाँ देख लेंगे, सीसीटीवी फुटेज में। विवाद के कारण क्या है? विवाद का इसमें जो धर्मेंद्र यादव ने अभी फरियादी, इसके हाथ में छड़ी लगी, इसने पहले विकास कुशवाहा के भाई, छोटे भाई दीपक से पहले झगड़ा हुआ था 2019 में, तो वही लड़कों लड़कों की रंजिश है और